सब्सक्राइब कीजिए टेकी ट्यूबर बुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए। दोस्तों, अगर आप एक गेमर है तो आपके मन में जरूर से एक सवाल आया होगा कि आखिर प्रिंस ऑफ पर्सिया सीरीज गेम कहाँ गायब हो चुकी है। आज आप देखते रहिए दोस्तों इस वीडियो को। आज की वीडियो में आपको मैं इसी का जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अपने वीडियो के हम मेन भाग की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस जो गेम का जो डेवलपर था, जिसने इस गेम को बनाया था, उसका नाम था जॉर्डन मिकनर ने। और ये गेम जो पहला इसका जो प्रिंस ऑफ पर्सिया जो गेम था वो लॉन्च हुआ था 1989 में, और जो दूसरा गेम था वो लॉन्च हुआ था 1993 में, जिसका नाम था प्रिंस ऑफ पर्सिया शैडो ऑफ फ्लेम। लेकिन ये दोनों गेम हैं, उसे दोनों अलग अलग कंपनीज़ ने इस गेम को बनाया था। जो पहला गेम था वो बनाया था बॉर्डर बर्न कंपनी ने, लेकिन बॉर्डर बर्न कंपनी के ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाने के कारण उसे दूसरे कंपनी ने खरीद लिया, जिसका नाम था द लर्निंग कंपनी, और उसने बनाया द प्रिंस ऑफ पर्सिया शैडो ऑफ द फ्लेम। लेकिन द प्रिंस ऑफ पर्सिया शैडो ऑफ द फ्लेम के ज़्यादा अच्छा क्रिटिक रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण उसे भी बेच दिया गया द मेटल इंटरैक्टिव गेमिंग कंपनी को, जो अभी भी गेम बनाती है। इसके बाद इस कंपनी को जो खरीदा मेटल इंटरैक्टिव कंपनी ने, उसने लॉन्च किया प्रिंस ऑफ पर्सिया 3D, जो कि 1997 में लॉन्च हुआ था। लेकिन उसे भी ज़्यादा अच्छा क्रिटिक रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण वो भी ज़्यादा नहीं चल पाया। इसके बाद द मेटल इंटरैक्टिव कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लॉस सहना पड़ा और वो कंपनी फिर बिक गई द यूबीसॉफ्ट कंपनी को, जो कि आज भी गेम्स बनाती है। और यहाँ से यूबीसॉफ्ट कंपनी को प्रिंस ऑफ पर्सिया के सारे राइट्स मिल गए, और यहाँ पर से सिलसिला हुआ शुरू द प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड ऑफ टाइम, जो कि 2003 में लॉन्च हुआ था, और 2004 में द वॉरियर विथिन लॉन्च हुआ था, जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट निकला था, जिसका नाम था द प्रिंस ऑफ पर्सिया टू थ्रोन्स, जो कि 2005 में निकला था। इसके बैक टू बैक निकलने के कारण जो पीपल्स थे, जो गेमर्स थे, उन्हें ये गेम खेलने में मज़ा भी आ रहा था। और उसके बाद थोड़े से लंबे गैप के बाद 2008 में द प्रिंस ऑफ पर्सिया 2008 देखने को मिला, जिसको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला गेमर्स की तरफ से। और उसके बाद आखिरी बार जो प्रिंस ऑफ पर्सिया द फॉरगेटन सैंड निकला, जिसकी स्टोरी द सैंड ऑफ टाइम और द वॉरियर विद इन के बीच की थी। लेकिन प्रिंस ऑफ पर्सिया 2008 जो था उसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस ना मिल पाया। लेकिन यहाँ पर आखिर हुआ क्या, 2010 के बाद से आखिर प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम आखिर निकलना ही क्यों बंद हो गई। तो आइए जानते हैं, प्रिंस ऑफ पर्सिया का नया गेम ना निकलने का कारण, सबसे बड़ा कारण जो था वो था असासिन्स क्रीड। लेकिन आपको यहाँ पर जान के हैरानी होगी, और आप में से कई लोगों को ही सिर्फ पता होगा, जो द असासिन्स क्रीड था, जो जिसका फर्स्ट पार्ट था, वो एक प्रिंस ऑफ पर्सिया का सीरीज का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन यहाँ बस आखिर प्रॉब्लम कहाँ आई, यहाँ पर प्रॉब्लम जो हुई वो थी शुरू प्रिंस ऑफ पर्सिया 2008 से। यहाँ पर जो प्रिंस ऑफ पर्सिया 2008 था उसकी सिर्फ 25 लाख कॉपीज़ बिकी, और अगर हम बात करें असासिन्स क्रीड की तो वहाँ पर बिकी 1 करोड़ से ऊपर। और अगर हम बात करें द प्रिंस ऑफ पर्सिया फॉरगॉटन सैंड की, तो उसकी जो कॉपीज़ थी वो बिकी टोटल 35 लाख। और अगर हम बात करें असासिन्स क्रीड 2 की, तो वहाँ पर बिकी 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ 14 लाख कॉपीज़। तो अब आपको यहीं से इन दोनों के रिस्पॉन्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन असासिन्स क्रीड 1 और 2 का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर असासिन्स क्रीड 3, असासिन्स क्रीड 4, यहाँ पर ये दोनों ही गेम्स ने फिर से 1 करोड़ 30 कॉपीज से भी ज़्यादा अपनी बिक्री कर ली। और यहाँ पर से जो द प्रिंस ऑफ पर्सिया थी और असासिन्स क्रीड में, दोनों में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस देखने को मिल रहा था। और यहाँ यूबीसॉफ्ट कंपनी ने अपने सेल्स और अपनी बिक्री को देखते हुए प्रिंस ऑफ पर्सिया को यहीं रोक दिया। यहाँ पर ये तो हो गया एक रीज़न, और इसे एक दूसरा रीज़न भी है। यहाँ पर जो प्रिंस ऑफ पर्सिया का जो सीरीज़ था वो यूबीसॉफ्ट का ओरिजिनल आइडिया नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा जो हमारा असासिन्स क्रीड है, जो हमारा खुद का ओरिजिनल आइडिया है, उसे हम क्यों ना और आगे बढ़ाएं और प्रिंस ऑफ पर्सिया को यहीं रोक दें। यहाँ पर जो प्रिंस ऑफ पर्सिया था वो उनका ओरिजिनल आइडिया ना होने के कारण उनको अपना जो प्रॉफिट था उसे शेयर करना पड़ता था, और आज के ज़माने में कौन अपना प्रॉफिट को शेयर करना चाहेगा, इसलिए उन्होंने असासिन्स क्रीड को चुन लिया। यहाँ पर जो उनका असासिन्स क्रीड था वो उनका खुद का ओरिजिनल आइडिया था और ओरिजिनल गेम भी था, तो इसलिए उनको वहाँ पर अपना प्रॉफिट को शेयर करना नहीं पड़ता था। लेकिन अगर आप ट्रू फैन हैं
प्रिंस ऑफ पर्सिया के मेयर जैसे, तो आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि यहाँ जो यूबीसॉफ्ट के सीईओ हैं उन्होंने 2013 में ये कहा था कि यहाँ पर हमने प्रिंस ऑफ पर्सिया फ्रेंचाइजी को यहाँ सिर्फ रोका है, हमने इसे हमेशा के लिए बनाना बंद नहीं किया है। तो यहाँ पर आने वाले समय में यही हो सकता है कि प्रिंस ऑफ पर्सिया एक नया रूप लेके यहाँ पर हमको फ्यूचर में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।